मैंने सुना था कि राजपूत किसी की सुनते नहीं है, लेकिन आप लोग शानदार हो जो इतनी देर से सुन रहे हो। सबसे पहले आप सबको मेरी क्षमा करें। हीरो की इस धरती पर इतने सारे शूरवीरों से मुझे मिलाने के लिए और आपका दर्शन कराने के लिए सबसे पहले भाई विक्रम जी आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने कार्यक्रम किया और हम जैसों को जयपुर से याद किया। इतनी देर से भाषण चल रहे हैं इसे मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि किताबों में पढ़ा है कि एक भारत का शासक था अकबर महान, उसकी कोई उसको दफनाया गया था सिकंदरा में। आज वो अपने मकबरे के अंदर भी उसके आंखों से शायद आंसू निकल रहे होंगे कि तू तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, आज तुझे रोने वाला कोई नहीं है और तेरे सामने लड़ने वाले उस राणा को 450 साल बाद याद करने वालों की संख्या देख ले एक बार। भाइयों, आपको सलाम करने के हमारा मन होता है, हम तो नेता हैं, हमारा विश्वास तो आप मत करो, लेकिन अपने महाराणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे, वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे और वीरम देव जी सोनगरा जैसे, जिनका नाम मैं हमेशा लेता हूं, जब खिलजी सुना यहां पे आया था, सोमनाथ जी को लेके जा रहा था, उसने जालौर के किले में देखा और देखा कि यहां सुना है कोई राजपूत रहता था और यहां से तुम्हारे शिवलिंग मेरे साथ जा रही है, वो राजपूत कहां चला गया। ये बात जब वीरम देव जी को पता चली तो शिवलिंग तो आज भी नहीं है, उस खिलजी का आता पता नहीं है। ऐसे वीरम देव जी को आज मैं याद करना चाहता हूं। ऐसे तो खूब लोग हैं जिनको ना याद करना है, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हमारे आज शत्रुत्व को बचाने के लिए एक ही काम करने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो यहां बैठी हैं, दिन में एक घंटे या दिन में आधे घंटे के लिए अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर बैठाना और अपने वीर पूर्वजों की कथा उन्हें सुनाना, क्योंकि ये कथा हमें इन किताबों में कोई नहीं सिखाता। किताबों में हमें नहीं बताया जाता कि अउवा अशोक के कोई ठाकुर थे जिन्होंने अंग्रेजों ने जब उन पर हमला किया तो रीजेंट को मार के अपने दरवाजे पे टांग दिया। ये बात हमें किसी किताब ने नहीं सिखाई, हमारी माँ नानी दादी ने हमें जब किस्से सुनाए, गीत सुनाए, तब हमें पता चली थी। अपने इतिहास की जानकारी के लिए राठौड़ साहब मंच पर विराजमान है, सबसे पहले आदरणीय मंच, मंच पे बहुत लोग हैं, सबका नाम मैं लेना नहीं चाहता। राठौड़ साहब के साथ अभी 10-15 दिन पहले हम एक गांव में गए, एक शहीद राजपूत की मूर्ति का अनावरण करने। वहां गए तो देखा कि उस गांव के अंदर एक चौथी मूर्ति थी जिसका अनावरण हो रहा था। पहले ही उस गांव के 3 सपूत भारत माता के लिए अपना बलिदान दे चुके थे और उनकी मूर्तियां वहां लग रही थी। ऐसे महान राजस्थान की भूमि से आप लोगों के बीच में आकर आपका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे गुजरात के कुछ नेता हमारे मंच पर विराजमान है, मेरी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कहना नहीं चाहिए लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अब समय बदल गया है। एक समय था जब हमारे राजस्थान में रोजगार नहीं थे, परेशानियां थी, तब राजस्थान के हमारे नागरिक उठकर गुजरात आए, जिनको आपने अपने दिल में जगह दी है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, माँ भगवती की कृपा से हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है, इन्हें संभाल कर रखेगा, नहीं तो कुछ साल में आके अपने हीरो को वापस हम ले जा सकते हैं, ये राजस्थान वहां बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वैसे कहते हैं नेता वकील और डॉक्टर से कभी काम नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़े तो भी राजस्थान में हमारे राठौड़ साहब विराजमान है और भंवर सिंह पलड़ा साहब विराजमान है, जिनसे बहुत सारे अधिकारी डरते हैं। ऐसे मेरे प्रिय भाई रविंद्र मंच पे विराजमान है, मंच पर हमारे सुशील सिंह साहब विराजमान है, लेकिन फिर भी कभी किसी नेता की जरूरत जयपुर में या राजस्थान में पड़े तो भैरव सिंह जी शेखावत के बंदे पर आके आपके छोटे भाई अभिमन्यु को याद करना, आपके साथ हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जय माता दी।